जो अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं या इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपने रेगुलर रहना है, उसके बाद एक टॉपिक पे रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना, सब्र से काम लेना है। कम से कम आपने 6 महीने एक टॉपिक को, एक चैनल को देने हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों जिंदा दिलों और जागती आंखों को सुबह टीवी के साथ किंजा वहीद का सलाम। नाजरीन, हमारे पास इस वक्त लाखों लोगों के उस्ताद मौजूद हैं, तैमूर परदेसी साहब। आए उनसे बातचीत करते हैं और मज़ीद जानते हैं कि उन्होंने ये सफ़र कैसे शुरू किया। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरा नाम तैमूर है और मैं YouTube पे, मेरा चैनल है तैमूर परदेसी के नाम से। मैं लोगों को YouTube के रिलेटेड या कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड जो है वो सिखाता हूँ। सफ़र मैंने आज से 12-13 साल पहले स्टार्ट किया था, अकेला चला था। अल्हम्दुलिल्लाह अब लाखों लोग साथ हैं, लेकिन लाखों लोग माशाल्लाह अपना अपना काम कर रहे हैं, सबका रोज़गार चल रहा है और खुशी बहुत होती है। आपने कोई और फील्ड क्यों नहीं चूज़ की, यही क्यों चीज़? फील्ड मैंने असल में ये इसलिए 2008 में सिखाना स्टार्ट किया था। मेरा एक एम था कि पाकिस्तानियों को उर्दू में मैं सिखाऊं, तो तब से मैं ये सिखा रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाब किया और उस फील्ड में आगे आते आते फिर इतना ग्रो कर गया कि उसके बाद मैंने इसी फील्ड को सिलेक्ट कर लिया। वैसे मैं इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह। सर, 2-3 टिप्स जो है ना आप दे दें लोगों को, जो कि उनको यूट्यूब चैनल के लिए ज़रूरी है। जो अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं या इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपने रेगुलर रहना है, उसके बाद एक टॉपिक पे रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना, सब्र से काम लेना है। कम से कम आपने 6 महीने एक टॉपिक को, एक चैनल को देने हैं। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। इसमें चांस ही नहीं कि आप फेल हो जाएं। फेल होने की सूरत यही होता है कि जब आप लोग कंटेंट अपना चेंज कर रहे होते हैं बार बार, कभी थंबनेल ये, कभी टाइटल वो, हर चीज़, फिर आपकी एडिटिंग स्टाइल और बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो स्टार्ट से ही एक चीज़ को आपने फॉलो करना है, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, अल्लाह।